नमस्कार, मैं हूँ शिवानी मिश्रा और मैं आज आप सभी के सामने उपस्थित हूँ मंडू पटेल ऑफिशियल चैनल की तरफ से। दोस्तों, आज हम समाज में फैली सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी कुरीति दहेज प्रथा के बारे में विचार करने जाएंगे, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वैसे तो आप कहेंगे कि समाज में सिर्फ दहेज प्रथा ही नहीं, एक कुरीति नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन एक बेटी, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मेरी नजर में दहेज प्रथा सबसे बड़ी कुरीति है, क्योंकि इस दहेज प्रथा के कारण हमारे जैसी कई बेटियों और हमारे परिवारों का शोषण होता है। तो दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले का वीडियो देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लाइक और कमेंट करें। तो दोस्तों, आइए हम चर्चा करते हैं दहेज प्रथा पर। दहेज प्रथा ऐसे कहने में तो एक बहुत ही छोटी सी बात है। पुराने जमाने में लोग माँ अपनी स्वेच्छा से बेटियों को उपहार दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसने कुरीति का रूप ले लिया। आज इस प्रथा, ये कुरीति सिर्फ हमारे आपके घरों में विद्यमान नहीं है, ये आज हम सभी के घरों में विद्यमान है। इस कुरीति के कारण कई बेटियों का शोषण होता है, बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। फिर भी जो माँ बाप बेटी को पैदा करने की हिम्मत करते हैं, उनके मन में सबसे पहले यह ख्याल आता है कि बेटी के लिए दहेज कहाँ जाएगा। चलिए, अगर इस समस्या को थोड़ी देर तक भुला भी देते हैं, वो अपनी बेटी को बड़ा करते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं, उसमें खर्चे होते हैं, उसके बाद तो उन्हें दरिंदों और हवस भरी नजरों से बचाना होता है, क्योंकि बेटी की इज्जत ही परिवार की इज्जत होती है। इन सबसे होने के बाद फिर से वही सवाल आ जाता है मन में, अब दहेज कहाँ दिलाएगा। दोस्तों, दहेज देना इतना आवश्यक क्यों है? आखिर क्यों बिना दहेज दिए शादी नहीं हो सकती? अगर किसी लड़की ने हिम्मत की कि मैं दहेज नहीं दूंगी, उसके परिवार ने हिम्मत की कि मैं दहेज नहीं दूंगी, तो क्यों क्यों समाज उसको उंगली उठाता है? क्यों कहता है कि उस लड़की के अंदर ही खोट है? क्यों कहता है कि उसका कैरेक्टर गलत है? क्यों उसके परिवार को बदनाम किया जाता है? यही कारण है कोई लड़की हिम्मत नहीं कर पाती दहेज के खिलाफ ना कहने की, क्योंकि उसे पता है उसके ना कहने से सिर्फ उसकी बदनामी होगी, उसके परिवार से उसके भाई बहन की बदनामी होगी और लोग उस घर में रिश्ता लेकर नहीं आएंगे। यही कारण दोस्त की हम चाहते हुए दहेज को ना नहीं कर पाते हैं। आज जिस घर में बेटा पैदा होता है, वो ऐसे अपने आप को व्यक्त करता है जैसे कि वो किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं। वे कहता है कि मैंने अपने बेटे पर खर्चा किया है, मुझे सारी रकम वापस दो, मुझे उसकी वसूली करनी है। चलो दोस्तों, वो इसी कारण जबरदस्ती दहेज लेते हैं, पर माँ को देना पड़ता है दोस्तों, बेटियों को देना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं देंगे तो उनकी बेटी की शादी नहीं होगी। और हमारे समाज में तो आपको पता ही है शादी होना कितना बड़ा, कितना अधिक जरूरी है, क्योंकि शादी के बिना तो हमारा जीवन सफल हो ही नहीं सकता। अगर कोई बेटी जॉब कर रही है, बहुत अच्छे पोस्ट पे है, फिर भी अगर उसकी शादी नहीं होती है, तो पता है तो उससे ये समाज क्या कहता है कि लड़की गलत है, लड़की में खोट है, लड़की अवारा है, अय्याशी करती है। बताइए दोस्तों, इतने गंदे शब्द हमारी बहन बेटियों के लिए हम क्यों उपयोग में लाते हैं? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे होते हैं, दहेज को ना कहने वाले भी लोग हमारे समाज में उपस्थित है। अभी कुछ दिन पहले दैनिक जागरण में एक मुहिम चलाई गई थी कि दहेज को ना कहें, जिसमें काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया, काफ़ी लोगों ने दहेज को मना किया। लेकिन दोस्तों, हमारा समाज यहीं पर चुप नहीं रहता, हमारा समाज में चैन से जीने ही नहीं देता। अगर किसी ने दहेज को ना कहा तो वो मानो ऐसा व्यक्त करता है कि लड़के में कोई खोट है, लड़के के परिवार में कोई खोट है। दोस्तों बताइए, हम करें तो करें क्या? हम मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लोग, आप भी दोस्तों, आप भी अगर किसी की शादी में जाते हैं तो तिलक में जाते सबसे पहले ये देखते हैं कि दहेज में क्या क्या सामान मिला है। बोलिए, मैं गलत कह रही हूँ? खुद मेरे मन में भी ये ख्याल आता है कि आप तिलक में क्या क्या सामान आया है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, सोफा है, अरे वाह कितना सारा तिलक में सामान, क्या बड़े घर में शादी हुई, लड़की तो बहुत अच्छी होगी। तो क्या एक सामान से हमारी बेटी की कीमत है? क्या हमारे बेटों की कीमत भी दहेज लेने से है? क्या उनकी अपनी पहचान नहीं है? दोस्तों, ये विचार को मन से निकालना होगा। कानून तो वैसे बहुत है दहेज के खिलाफ, लेकिन सिर्फ कानून बदलने से कुछ नहीं होता दोस्तों, सोच को बदलना पड़ता है और सोच को बदलने के लिए खुद को बदलना पड़ता है, तभी हमारा समाज बदलेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों, हम यही कहते हैं कि दहेज को ना कहें। दोस्तों, मैं एक माँ से बात कर रही थी, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक माँ से पूछ रही थी कि आप बताइए अपने बेटे और बेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। उस माँ ने जो जवाब दिया उसे सुनकर तो मैं अचंभित रह गई। उस माँ ने ये कहा, मेरा बेटा तब तक मेरा बेटा है जब तक कि उसका विवाह नहीं हो जाता, लेकिन मेरी बेटी तब तक मेरी बेटी है जब तक कि उसकी साथ मेरी साथ से नहीं थम जाती। इतनी बड़ी सोच दोस्तों, सोचिए बेटियाँ कितनी कीमत होती है इन बेटियों की, एक साथ कई कई परिवार संभालती हैं, कई कई रिश्ते निभाती हैं, मायका ससुराल दोनों इन्हीं की वजह से है, इनकी वजह से दो परिवार जुटते हैं। अगर एक बेटी शिक्षित है तो पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है। लेकिन एक बेटा बेटा शिक्षित होकर ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, नौकरी करेगा? क्या वो अपने बच्चों को पढ़ाने बैठता है? वो तो आता है ऑफिस से थक जाता है, उसका सो जाता है, अपनी बीवी से कहता है मुझे ये खाना ला के दो, ये करो वो करो। क्या उसने कभी सोचा है कि मेरी बीवी भी पढ़ाई की है, उसकी भी कोई वैल्यू, उसको वैल्यू देना चाहिए? तो ऐसे भी नहीं, क्या हमारी लड़कियों की कीमत ही है? आज मुझसे भी यही लोग कहते हैं कितना भी पढ़ लो आखिर करना तो चौका चूल्हाई है। हाँ दोस्तों, बात सही है, लेकिन वो करना हमारी कमजोरी नहीं है, हम प्रेम से करते हैं, हम अपनी मर्जी से करते हैं, हम अपने परिवार की खुशी चाहते हैं, हम नहीं चाहते, हम जानते हैं कि हमसे परिवार है, हम उनकी खुशी को देखते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमारी मजबूरी है, क्या हम पढ़ लिख के जॉब नहीं कर सकते, क्या हम अपने माँ बाप को ना नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने माँ बाप को सम्मान देते हैं,
हम उनकी इज्जत करते हैं, यही कारण है कि हम सब चीज खुशी खुशी कर लेते हैं, हर चीज सहते हैं। एक बेटी जितना चाहती है एक बेटे को उतना सहने की चिंता नहीं है दोस्तों। बेटी को माँ बाप कुछ कर देंगे वो सुन लेगी, जाएगा तो आंसू बहाएगी लेकिन माँ बाप को जवाब नहीं देगी। लेकिन बेटा, बेटे से आप कुछ करके देखिए ना, अगर बेटा बड़ा तो वो आपको जवाब दे देगा तुरंत। कई बेटे तो माँ बाप पे हाथ भी छोड़ देते हैं। बताइए दोस्तों, हमारे माँ बाप क्या इसी दिन के लिए अपने बेटों को पालते हैं? दोस्तों भले ही आप बेटा, आप भी जानते होंगे कहते हो बेटी है तो बेटा पैदा हो जाए, लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि बेटा कब तक करेगा मेरा? लेकिन मेरी बेटी हमेशा मेरी है। इसलिए दोस्तों मैं कहती हूँ कि आप दहेज को ना कहें, कन्यादान कोई महादान समझे और अपनी सोच बदले, क्योंकि सोच बदलने से ही देश बदलेगा और हमारे विकास होगा। धन्यवाद दोस्तों, और मुझे आशा है कि आप आप इस सोच को, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। और दोस्तों इस बात को खत्म करने से पहले मैं एक बार जरूर कहूंगी, हमारे चैनल मंटू पटेल ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस पर लाइक और कमेंट भी जरूर करें, और कमेंट में ये जरूर बताएं कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।